बात जब मुंबई के स्ट्रीट फूड की आती है तो सबसे पहला ख्याल वड़ा पाव का ही आता है। यहाँ कई सारे स्टॉल्स हैं जहाँ वड़ा पाव मिलता है, बट द रियल हीरोज आर द वंस हु हैव मेड इट थ्रू ऑल द ऑड्स, जो ना सिर्फ अपने परिवार के लिए लेकिन समाज के लिए भी कुछ सोचते हैं। सतीश गुप्ता इज वन सच हीरो, जो महंगाई के जमाने में भी स्कूल के बच्चों को सिर्फ 5 रुपए में वड़ा पाव बेचते हैं, क्योंकि जो हालात उनके बच्चों ने देखे हैं, वो नहीं चाहते कि मुंबई का कोई भी बच्चा उसे महसूस करे या भूखे पेट सोए। कर्ली टेल्स का स्ट्रीट स्टोरीज का ये एपिसोड उन्हीं के नाम। ये स्टॉल आज साइंस सर्कल के पास मिलेगा और इनके वड़ा पाव के दीवाने आसपास के स्कूल गोअर्स से लेके वर्किंग प्रोफेशनल्स और पासर्स बाय भी है। द वड़ा पाव्स आर क्रिस्पी, पाइपिंग हॉट एंड राइटली स्पाइस्ड, बोले तो एकदम तीखट। साइंस सर्कल पे वड़ा पाव बेचने वाले सतीश गुप्ता की स्टोरी तो हमारे दिल को छू गई। He has been selling vada pav for over 30 years now. Even today, he sells vada pav at just 5 rupees to all the school kids who come to him. सुबह 5:30 पे उठेगा, मुंह भी धोएगा, ऊपर से नीचे आएगा इधर, तो भगवान को 10-15 मिनट थोड़ा पूजा पाठ करेंगे, फिर अपना काम यहाँ पे चालू हो जाता है। बच्चे लोग जब तक रहते हैं वो अपना हेल्प करके लेते हैं, फिर थोड़ा नाश्ता खाना पीना खाएंगे, चाय पानी करेंगे, 11:15 बजे तक घर से निकल जाते हैं। और एक बार घर से निकल गए तो सतीश का सारा दिन वड़ा पाव के स्टॉल पर ही निकल जाता है। काउंटर चालू करते करते 2 बज जाते हैं, और 2 बजे स्टार्ट करेंगे तो फिर रात को 7-7:30 बज जाते हैं। इस तरह से हमारा पूरा दिन चला जाता है, और कभी कभी इतना थकन हो जाता है कि मतलब कि किस दिन संडे आवेगी, एक दिन छुट्टी मिलेगा, हम लोग को आराम मिले। Everything did not come by so easily for Satish. He's done a lot of menial jobs in his life, such as washing utensils or washing clothes. Madam, वड़ा पाव तो मैं अपने हिसाब से मतलब 20 साल स्कूल में मैंने काम किया था, और स्कूल में काम करने के बाद में मैंने स्कूल का कैंटीन मेरे हाथ से छूट गया। छूटने के बाद में मैंने 2 महीना घर में बैठा था। घर में बैठने के बाद में बच्चे लोग का पढ़ाई निकाली, खाना पीना, बहुत मजबूरी से दिन निकालो मैडम। जितना घर में पैसा आकर 100-200 रुपया आता था तो उससे मैं अपना गुजर चलाता था। सुबह सोचना पड़ता था कि दूध का पैसा है कि नहीं है। बच्चे लोग फैमिली थी तो पूछती थी मेरे बाहर जाने का है, तो दो टाइम तीन टाइम सोचना पड़ता था, और जाने के बाद बच्चे लोग का खर्चा पानी हर एक चीज़ के लिए मुश्किल हो जाता था। अपनी तकलीफों से लड़ने की कोशिश में एक वड़ा पाव स्टॉल लगाने की कोशिश की तो और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आसान तो नहीं है मैडम, बंबई के अंदर कोई भी स्टॉल खोलने के लिए आसान नहीं है। मैंने वहाँ पे धीरे धीरे मेरा धंधा जम गया। इनके वड़ा पाव की तो दाद देनी पड़ेगी, लेकिन जब मैंने इनसे पूछा कि इस महंगाई के जमाने में भी व्हाई इज ही स्टिल सेलिंग वड़ा पाव टू द किड्स फॉर जस्ट 5 रुपीज, ही टोल्ड मी अ वेरी नाइस स्टोरी, वेरी इंस्पायरिंग। ही सेड दैट इनके बच्चों ने बहुत स्ट्रगल देखा है, देयर हैव बीन डेज दैट दे हैव गॉन हंग्री, सो ही काइंड ऑफ फाइंड समथिंग टू रिलेट विद द सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन, एंड ही डज नॉट वॉन्ट एनीबडी टू गो होम हंग्री। ही सेज ही फाइंड्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस व्हेन ही फीड्स दीज चिल्ड्रन। Taste is very good, which is a main point. And the price for students, we get it 5 rupees off because of the school uniform. नहीं नहीं हम इधर shopping करने आते हैं ना इधर, तो सायन में चक्कर लगाते हैं। मेरे husband को वड़ा पाव बहुत पसंद है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आते हैं। यहाँ जो वड़ा पाव जो बनता है, उसमें जो कुछ मटेरियल लगता है वो बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हुआ रहता है, इसलिए इसका टेस्ट बहुत ही कुछ अलग ही है, और बारिश में खाने का मज़ा तो बहुत ही अलग है। Currently, Satish supports a family of 5 with a wife and 3 kids. His family has been through a lot of financial struggle, aur mushkil situations mein koi inki madad karne nahi aaya tha.
He could barely arrange for two meals for his family और ये जिस slum में रहते थे उसे तोड़ दिया गया था। लेकिन ऐसी हालातों में भी सिर्फ इनकी family ही थी जो इनका साथ देती रही। वो तकलीफ गुजर किया लेने। यहाँ तक ऐसा position था कि मतलब कि एक दो रोटी लेके हम लोग नमक खा के दिन निकाले। पहले अपना जो परिस्थिति था खराब, कितनी गरीबी थी हम लोग की, वो हिसाब से तो अभी हमारे भी दिन अच्छे हो गए। और बच्चे लोग, जिनके गरीब बच्चे लोग आते हैं 5 रुपये वड़ा पाव खा के जाते हैं, वो भी हमको अच्छा लगता है। चलो भाई, जिसके पास नहीं 10 रुपये, गरीब बच्चे हैं, आते हैं 5 रुपये हम दे देते तो हमको अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे बच्चे पहले जब छोटे थे हम लोग भी बहुत गरीब थे, एक वड़ा लाते थे, 4 पाव लाते थे, तो उसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग चटनी वड़ा पाव खा के हम लोग दिन निकालते थे। पिछले 30 साल से सतीश मुंबई वालों को अपना वड़ा पाव खिलाते आए हैं, लेकिन उनका सबसे फेवरेट खाना उनकी वाइफ के हाथों से बना खाना ही है। खाना मैडम तो हम वड़े का भाजी बना लेते हैं, वाइफ को बोलते हैं पूरी निकालो, पूरी भाजी खा के हम अपना टाइम निकाल लेते हैं। सबसे वेस्ट मुंबई एक बहुत अच्छी चीज है, अगर इंसान मेहनत करने वाला रहे तो मुंबई से कभी खाली नहीं जा सकते, बहुत आगे निकल सकते हैं। दिमाग चाहिए, हिम्मत चाहिए उनको, वो कभी भी आगे जा सकते हैं। Even you have been inspired by his story and wish to see more such content, then don't forget to hit like, share and subscribe to Curly Nails. Curly Nails. And goodbye until I see you in another episode of Street Stories.